मध्ये सरसंघ कार्यवाहक भैयाजी जोशी यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये विविध मुद्द्यांवर भाष्य केलं. अयोध्येतील राम मंदिराचं बांधकाम, पुतळ्यांची सुरू असलेली विटंबना या मुद्द्यांमध्येही त्यांनी हात घातला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कुठलंही सरकार संवेदनहीन होऊ शकत नाही, त्यांना या प्रश्नावर संवेदनशील व्हावंच लागेल असं म्हणत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारचे कान टोचले. राम मंदिर बनना है तो तय है, अब वहां पर दूसरा कुछ भी नहीं बन सकता ये भी तय है, लेकिन एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जाना पड़ता है. किसानों के संदर्भ में हमने कई बार इसका स्पष्टीकरण किया है कि किसानों के समाज, किसानों के प्रश्नों को संवेदनाओं के साथ समझकर उसके व्यवहारिक हल ढूंढने चाहिए. उसकी उसको एक आज जो स्थिति है उसमें कई प्रकार के प्रश्न हैं, केवल एक ही प्रश्न जुड़ा हुआ नहीं कह सकते. किसानों की भी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, कुछ कृषि नीति में कुछ परिवर्तन लाने पड़ेंगे और किसानों को आश्वस्त करना पड़ेगा कि उनके फसल को उचित मूल्य मिले. लेकिन कई प्रकार की बाधाएं इसके अंदर है, इसलिए किसानों के प्रश्नों के प्रति कोई भी सरकार संवेदनहीनता से चल नहीं सकती, उनको संवेदनशील बनना ही पड़ेगा.